नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम लोग हैं ग्रेटर नोएडा परिचौक पे और यहाँ पे हो रहा है बुद्ध महोत्सव, क्योंकि आज के दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति को दहन किया था। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं बहुत सुंदर रथ है जिसमें बाबा साहब की प्रतिमा है, अशोक की प्रतिमा है और तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा है और कॉन्स्टिट्यूशन भी रखा हुआ है। और जो ये रथ है ये कहाँ से आता है और इसका कोई खर्चा होता है नहीं होता है? हमारे साथ समाज से भी बालाग्राम बहुत जी हैं जो हमेशा निरंतर समाज की आवाज़ को उठाते रहते हैं। ये जो रथ है इस पर बाबा साहब की प्रतिमा है, अशोक की प्रतिमा है और तथागत गौतम बुद्ध हैं और कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान भी है। और ये रथ जो है ये कहीं भी कार्यक्रमों में जाता है और इसका जो नेतृत्व करते हैं बालाग्राम बहुत जी करते हैं। बालाग्राम जी, ये जो रथ है इसको आप कहाँ तक भेजते हैं? कोई इसका चार्ज होता है नहीं होता है? किस तरीके की क्या टर्म कंडीशन होती है? अगर कोई अपने कार्यक्रम में इसको मंगाना चाहता है तो वो भी बताएं आप हमें। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो इस बौद्ध महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ पूरे देशवासियों को और आपके भी चैनल के लिए मंगल कामना करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ही जो जनता में एक मैसेज गया है उस मैसेज के कारण कि आज एक जनमत यहाँ इकट्ठा हुआ है उसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद हैं। जहाँ तक आपने इस रथ की बात कही है, ये एक समाज का रथ है जो जिसमें आप देखे होंगे, इधर आप देखेंगे परम पूज्य बाबा साहब हैं, आप देखेंगे यहाँ पे सम्राट अशोक हैं, आप देखेंगे ये परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा है। ये प्रतिमा हमें एक प्रेरणा देती है कि जिंदगी में अगर आप मतलब अगर आप जिंदगी में बाबा साहब के फॉलोवर होंगे तो आप कभी भी मतलब अनसक्सेस नहीं दे सकते, आप हमेशा आप कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है, आप उसमें थोड़ा और आगे देखेंगे रथ में, ये सम्राट अशोक की प्रतिमा है, जो सम्राट अशोक की प्रतिमा है जो कि हमें एक भारत के अंदर एक सम्राट अशोक का राज था जहाँ पे इंसान इंसान की तरह रहता था, वो ही स्थापित होता है, वो ही वहाँ प्रति देती है। आप आगे देखेंगे तथागत बुद्ध, ठीक है, जिन्होंने दुनिया में एक शांति का संदेश दिया। और मैं तो ये कहूँगा अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक बुद्ध का फॉलोवर है। बुद्ध के संदेश हैं पाँच, पंचशील हैं जिनको देश का हर व्यक्ति मानता है और कोई व्यक्ति अगर उस पंचशील का वायलेशन करता है तो वो दंड का भागीदारी होता है। इसलिए बुद्ध के फॉलोवर पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में है और पूरा देश बुद्ध में है। ये तो एक मतलब ना मानने वाली बात है, कोई नहीं मानता, लेकिन परंतु बुद्ध में है। आप आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान जो एक भारतीय संविधान है जो इस देश में एक इंसान को इंसानियत की पहचान देता है और इस देश के अंदर मैं कहता हूँ इंसान नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु नदियाँ पहाड़ सभी की सुरक्षा की गारंटी देता है भारतीय संविधान। ये बहुत महत्वपूर्ण संविधान की ग्रंथ नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है। बालाग्राम जी, क्या मंशा रही आपको इस रथ को बनाने की? यूँ तो जब भी हम लोग देखते हैं महावीर की रैली निकलती है तो उसमें बहुत सारे रथ होते हैं, कोई राम की रैली निकलती है तो उसमें भी बहुत सारे रथ होते हैं, यहाँ तक कि रविदासी समाज के भी रथ हैं, लेकिन बाबा साहब का और ये कॉन्स्टिट्यूशन का, गौतम बुद्ध का, अशोक का एक रथ बनाने के पीछे क्या मंशा थी आपकी, वो बताएं। देखिए, इस रथ को बनाने के पीछे एक मंशा ये थी कि एक जो अभी तक हमारा समाज देश का जो नागरिक है वो एक अनभिज्ञता में ही रहा, जो अंधेरे में है, अंधेरे से प्रकाश की तरफ लाने के लिए एक रथ बनाया था जिससे रथ के माध्यम से हम देश में प्रचार करते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि भाई इस रथ का चार्जेस क्या है, हम इसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं क्योंकि तथागत बुद्ध और बाबा साहब की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही हमने रथ बनाया हुआ है। ये दिल्ली NCR में मैं समझता हूँ एक साल पहले एडवांस बुक हो जाता है और इसका हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, बल्कि पूरी साज सज्जा सजाने का, लाने का, ले जाने का सारा खर्चा हम खुद से मेहनत करते हैं इसका। जी, कितनी खूबसूरत बात है। अगर आपके कार्य यहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है, आप बाबा साहब का कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, तथागत गौतम बुद्ध का कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, महा अशोक जी का कार्यक्रम करना चाहते हैं या फिर संविधान की बात करना चाहते हैं तो ये वाला रथ आपके यहाँ पे पहुँचेगा बिल्कुल फ्री। आपने सिर्फ फॉलो करना है, लेकिन आपको अपने समय से पहले अपने कार्यक्रम के अंदर अगर आप चाहते हैं ये रथ आए वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट तो आपको पहले बुक करना पड़ेगा और बालाग्राम जी से आप मिल सकते हैं जो समाज से भी हैं, आपको अधिकतर हर एक समाज की मूवमेंट पर आपको जगह जगह नज़र भी आ जाते हैं। समाज के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं समाज के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि हम बाबा साहब के भक्त ना बने, हम बाबा साहब के फॉलोअर बने। जिस प्रकार बाबा साहब के फॉलोअर माने और काशीराम साहब थे, काशीराम साहब ने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल के इस देश में एक राज स्थापित किया और उनके उनके शासन में लगा कि हाँ, आम आदमी को लगा कि आज एक भयमुक्त भारत है। क्योंकि जो आज देख रहे हैं कि आज का जो एक वातावरण बना हुआ है एक भय का वातावरण है, उस भय के वातावरण को मतलब तहसनस करने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही एक रास्ता है जो बुद्ध का रास्ता है, बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता है, भारतीय संविधान है, संविधान का पालन करें,
भयमुक्त रहें, भयमुक्त शासन बनाएं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।